ईडी के समन पर आखिरकार रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक और जेलर ईडी के सवालों का सामना करने के लिए एजेंसी के जोनल कार्यालय पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि कई बार समन जारी होने के बाद भी जेल अधीक्षक ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उन्हें ईडी ने फिर समन जारी किया था। बता दें कि पूजा सिंगल, प्रेम प्रकाश, छवि रंजन और पंकज मिश्रा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की जेल की गतिविधियों को लेकर रांची जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले ईडी ने 26 और 27 जून को भी हामिद अख्तर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाही के लिए समन किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में ईडी ने नए सिरे से हामिद अख्तर को समन किया था। शुक्रवार को दिन के 11 बजे उन्हें रांची जोनल ऑफिस में हाजिर होने का नोटिस ईडी ने दिया था, लेकिन जेल अधीक्षक तीसरे समन के बाद ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हुए हैं। जेलर से भी हो रही पूछताछ है। वहीं 5 मई को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और जेल में बंद आरोपी प्रेम प्रकाश की जेल में मुलाकात को लेकर जेलर नसीम खान को समन किया गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक जेलर के पास ही सभी सेल की चाबियां होती हैं। ऐसे में सभी सेल बंद किए जाने के बाद किसके आदेश से प्रेम प्रकाश के सेल को खोलकर उसकी मुलाकात अपर डिवीजन सेल में बंद छवि रंजन से करवाई गई। इस संबंध में ईडी जेलर से पूछताछ कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।